हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रॉकिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे हम लोग वीएमवेयर वर्कस्टेशन यूज करके रेड हैट 9 को इंस्टॉल करेंगे और उसको सक्सेसफुली रन करेंगे। इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग वीएमवेयर वर्कस्टेशन 16 को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लो, ठीक है, और गूगल में जाके हम लोग को लिखना है वीएमवेयर वर्कस्टेशन 16 डाउनलोड। ठीक है, तो उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखो एक फास्ट रिजल्ट आया है, ठीक है, वीएमवेयर का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। तो ए वाला जो लिंक है आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डाउन करना है। यहाँ पर देखो वर्कस्टेशन फॉर वर्कस्टेशन 16 प्रो फॉर विंडोज और वर्कस्टेशन 16 फॉर लिनक्स। तो हम लोग विंडोज के लिए डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड नाउ एक बटन दिख रहा है, इसके ऊपर हम लोग को क्लिक करना है डाउनलोड करने के लिए। और यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके भी रखे हैं। तो हाउ टू डाउनलोड वीएमवेयर वर्कस्टेशन ऑन विंडोज 10, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखे हैं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखो वीएम वर्कस्टेशन का एक आइकॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो देख पा रहे हो आप लोग, तो इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। तो ये हो गया वीएमवेयर वर्कस्टेशन का इंटरफेस। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग मिनिमाइज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेड हैट इंटरप्रेस को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पर देखो मैंने एक यूआरएल दे दिया, तो आप लोग ब्राउजर में जाके रेड हैट 9 डाउनलोड लिखोगे, ठीक है, आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर यूआरएल दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करोगे डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग आ जाओगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा डाउन करना है। देखो यहाँ पर डाउनलोड बटन है, ये जो वर्जन 8.7.0 दिख रहा है, ठीक है, डाउनलोड करने से ये 8.7.0 डाउनलोड होगा। तो अभी हम लोग 9 को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा नीचे डाउन करना है। ओके, यहाँ पर देखो 9.0, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये वाला 8x86_64, ठीक है, तो 32 और 64 बिट यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे। डीबीडी आईएसओ 7.9 GB है, इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड बटन के ऊपर हम लोग को क्लिक करना है, देखते हैं क्या होता है, लॉगिन करना होगा। देखो तो रेड हैट को आप लोग को डाउनलोड करने के लिए रेड हैट का ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग को रजिस्टर करना है पहले। ठीक है, तो थोड़ा डाउन करो, देखो रजिस्टर फॉर ए रेड हैट अकाउंट, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को यूज़र नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, जॉब रोल, ठीक है, उसके बाद पासवर्ड दे देना, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करना। ठीक है, थोड़ा सा कुछ प्रोसीजर है, आप लोग कर लेना और एक कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा मेल आईडी पे, वहाँ से कॉन्फर्म कर लेना। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं, तो अभी हम लोग सीधा सीधा लॉगिंग करेंगे। तो लॉगिंग आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और मेरा जो ईमेल आईडी है यहाँ पर हम लोग को टाइप करना है, उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर पासवर्ड हम लोग को डालना है, देन लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं। ठीक है, तो डाउनलोड कहाँ पर करके रखे हैं आप लोग को दिखा देते हैं, यहाँ पर देखो। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आईएसओ इमेज। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, वीएमवेयर वर्कस्टेशन को ओपन करना है। तो यहाँ से आप लोग डबल क्लिक करके वीएमवेयर वर्कस्टेशन को ओपन कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक, तो यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डू यू वांट, टिपिकल और कस्टम, तो हम लोग अभी टिपिकली करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे।
के बाद इंस्टॉलर डिक्स इमेज फाइल iso और यहाँ पर आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, तो इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से लिनक्स सिलेक्ट करेंगे और वर्षन हम लोग को क्या होगा, हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो वर्षन हम लोग का 9 है ना, तो यहाँ पर तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम लोग रेड हैट 8 लेके काम चलाएंगे, रेड हैट इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 9 इंस्टॉल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल मशीन का नेम डालना है, ठीक है, तो रेड हैट लिनक्स इसको हम लोग कर देते हैं, और पार्टी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से लोकेशन, तो हम लोग कौन सा डायरेक्टरी के अंदर हम लोग इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पर फाइल स्टोर होगा, तो यहाँ से हम लोग चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउज करते हैं, ठीक है, और मैंने डी ड्राइव के अंदर करेंगे, मैंने ऑलरेडी एक ड्राइव करके रखे हैं DMR बोल के, और इसके अंदर हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है, मेक न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करो, देखते हैं रेड हैट और वाइटी, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो डी ड्राइव VMware और रेड हैट फॉर वाइटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम डिस्क साइज, तो कितना स्पेस चाहिए हम लोग को, चलो 60 GB दे देंगे। उसके बाद हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, ठीक है, तो सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमाइज हार्डवेयर, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से मेमोरी, यहाँ से हम लोग मेमोरी मतलब कितना GB रैम लेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 4 GB लेते हैं, चलो, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसर, प्रोसेसर नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ से हम लोग चेंज वगैरह कर सकते हैं, 1, 2 ले सकते हैं, नंबर ऑफ कोर कितना चाहिए आपको ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू CD/DVD साटा ऑटो डिटेक्ट, तो इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यूज iOS इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और हम लोग जो iOS इमेज डाउनलोड किया था Red Hat का ऑफिशियल वेबसाइट से, उसको हम लोग यहाँ पर डालना है। तो डी ड्राइव सॉफ्टवेयर के बाद Red Hat, ठीक है, इसको डाउनलोड किया था हम लोग, तो उसके बाद ओपन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क वगैरह अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे और क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिनिश बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक, देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है, आ गया है। अभी हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक। देखो यहाँ पर इंस्टॉल Red Hat इंटरप्राइज लिनक्स 9.0, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल Red Hat इंटरप्राइज 9.0, ठीक है। तो ऑटोमेटिक बूट इन 49 सेकेंड, चलो वेट नहीं करेंगे, हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पर दो ब्लैक ये जगह दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आप एरो डाउन एरो क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल Red Hat इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, ओके, वेलकम टू Red Hat एंटरप्राइज लिनक्स 9.0, ठीक है, हिंदी इंग्लिश करेंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू यूज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज वगैरह कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, हो गया। यहाँ पर लोकेशन कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंग्लिश ही लेंगे हम लोग, डन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। कनेक्ट टू Red Hat, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 60 GB है, यहाँ पर सिर्फ डन बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, डन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो
हो रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग हो गया है, ठीक है, लैंग्वेज सपोर्ट, ठीक है, ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंग्लिश, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन सोर्स कुछ नहीं करना है, क्रिएट डंप इनेबल, टाइम वगैरह हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे हम लोग इंडिया लेंगे, एशिया कोलकाता, डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सर्वर विथ जीयूआई होगा हम लोग, और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कुछ सिलेक्ट वगैरह, ठीक है। तो हम लोग डाउन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, उसके बाद नेटवर्क एंड होस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग नेटवर्क को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद होस्ट नेम, यहाँ पर होस्ट नेम हम लोग चलो दे देते हैं रॉकिंग, ठीक है, हो गया। उसके बाद अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखो होस्ट नेम दे दिया रॉकिंग सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसको रूट अकाउंट इज डिसेबल इसके ऊपर क्लिक करना है और पासवर्ड देना है यहाँ पर। चलो हम लोग यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अलाउ रूट SSH लॉगिंग विद पासवर्ड को टिक करेंगे, ठीक है, देन डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर बिगन इंस्टॉलेशन बटन दिख रहा है, शो कर रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, तो देखो अभी इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओके, इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग को रिबूट देना है, तो क्लिक ऑन रिबूट सिस्टम बटन, ओके, स्टार्ट सेटअप बटन के ऊपर क्लिक करना है, IBC लोकेशन सर्विस ऑन ही रखते हैं, नेक्स्ट को स्किप करते हैं, यहाँ पर अबाउट यू एक नाम नेम देते हैं, चलो एक एक यूज़र हो गया, ठीक है, फुल नेम हम लोग का रॉकिंग सपोर्ट है और यूजर नेम हम लोग का रॉकिंग सपोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, इसका पासवर्ड भी हम लोग सेट कर देते हैं, तो हो गया। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, ऑल डन, स्टार्ट यूजिंग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ओके, ऑल कंप्लीट, ठीक है, नो थैंक्स करते हैं। यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हैं एक बार, रॉकिंग सपोर्ट एक यूज़र है हम लोग को जो अभी हम लोग क्रिएट किया था, अभी चलो रूट में हम लोग जाते हैं, सुडो माइनस आई, ठीक है, और वांट टू सेट रूट का पासवर्ड, ओके, ठीक है, देखो रूट में आ गया हम लोग, ओके, MI करते हैं, रूट यूज़र है, ठीक है, ओके, दैट्स इट, टाटा, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।